और अपना मिलिट्री बेस। अच्छा अपना मिलिट्री बेस, अपना मिलिट्री बेस। इतनी जगह देखी है कभी तूने एक साथ? हाँ। मेरे बैच में एक और इमोर्टल, मोर्टल नहीं है जो पबजी गेम खेलता है, नहीं जानते तो? हाँ रियलिटी है बता रहा हूँ मैं उस टाइम। सो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है और सब बढ़िया? स्वागत है आपका प्रिंस भार्गव के व्लॉग चैनल के अंदर। और क्या चल रहा है आजकल? तो आज है ना मैं फ्री बैठा था यार, और फ्री बैठे बैठे ना फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था। स्क्रॉल करते करते मेरे सामने आया पबजी के कुछ वीडियोस, तो मैंने उस पेज को खोला और मैं स्क्रॉल करता रहा। एक्चुअली मैं किसी टाइम में ना पबजी बहुत खेली हुई है, वो छोटी छोटी हर जगह पे जाना, वो हर एक चीज़ है ना एकदम से इमोशनली कनेक्ट करेगी। मेरे और भी काफ़ी दोस्त हुआ करते थे, मेरे स्कूल मेट्स के कुछ दोस्त थे, एक वो लड़का नहीं आता था मेरे साथ घूमता रहता इधर उधर, वो भी मेरे साथ खेला करता था। और मैं अपने टाइम में प्रो प्लेयर हुआ करता था, और ज़्यादा बोल गया ना, ठीक था, मतलब एवरेज प्लेयर था, नोट लाइक कभी 2 किल, 4 किल, 10 किल, 20 किल, 22 किल तक किए हुए हैं, शायद 25 भी किए हुए हैं, हाँ मैक्स इतना ही गया होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो काफ़ी लोग थे हमारे मतलब उस टीम के अंदर, तो मज़ा आया करता था। बाकी और बताएंगे, अभी उसको आना है, वो वेला इंसान हिस्से वाला, याद होगा, तो वो आएगा तो उसके साथ बिठा के तब बातें करेंगे। आज पबजी से रिलेटेड कुछ बातें बताएंगे आपको, बड़े मज़े किया करते थे यार। मिलते हैं कुछ देर में। लो जी अब जंगली इंसान आ चुका है, देखो आँख खुजा रहा, बंदर आराम से आग भी ना बुझाए, क्या करना है यार, जिंदगी वैसी तेरी खराब है। आपकी कौन सी अच्छी है? स्टिल तेरे से 21 पांच साल का फर्क भी है, आप 5 साल पहले मेरे से भी बदतर थे। मैं 72 था, है ना? 72। अरे बस रहने दे, हो गया अब तो, हो गया। छोड़ो, मैं क्यों मेरा मुंह खुलवाते हो? तू वो दे पैसे लेके आया था। किस बात के पैसे? कौन से पैसे? सोच ले, अगली बार दूंगा नहीं। क्या पैसे ले ही लो। दस नहीं, 9 खराब हो गया। कचरा सेट बनना है। छोटे एक बात हो रहा है को, मैं आज हाँ। मैं ना बात कर रहा था इनसे पबजी के बारे में, कुछ याद आया? अरे बस यार पुरानी, रुक वहाँ बैठ के बात करते हैं, हम दोनों नहीं आ रहे ना। हाँ भाई हो जा शुरू, इधर आ जा कैमरे के अंदर। उधर का भाग रहे, मैं अपना फेस रिवील नहीं करना चाहता था। हाँ इसको दो कोई मुँह दिखाई, मैंग्री प्रश बनता मैं जाके, मुँह पे वो कवर लगाए घूमता। अच्छा कवर नहीं है क्या? इतना गंदा ही मुंह है। ओ शिट। अच्छा ठीक है, तो बात किसी चीज कर रहे थे हम, पबजी की ना। तो याद है पबजी का कुछ? ना याद दिलाया करो, कुछ चीजें ऐसी होती है जो याद नहीं कि दिलाने चाहिए। मैं ना जो फेसबुक चला रहा था, तो चलाते चलाते ना मेरे को एकदम से हिट कर गया। MI के फोन में पबजी खेलना, 9-9 घंटे चार्ज कर, चार्ज लगाते हुए खेलना। इसका फोन है ना गर्म हो जाता था, यह ना फ्रिज के अंदर पूरा हो जाएगा। मैं चार्ज लगा के गेम खेलता था और 8-8, 9-9 घंटे लगातार हम खेलते थे। बीच में हम लंच ब्रेक लेते थे गेम खेलने के लिए। कोरोना वाला टाइम पूरा MI फोन सबको पता है कि वो कितना हीट मारता था, पुराने मॉडल्स। मैंने खुद ने इसको पीछे बर्फ चिपका के खेलते देखे। नहीं ये ज्यादा हो गया, मेरा फोन प्रॉपर उसका प्रोसेसर इतना ही, मैं भी 50% का पार्टनर हूँ, मुझे भी बोलने का पूरा होना चाहिए। अगली वीडियो से ये नहीं आएगा। अच्छा तो मैं एक बात बताता हूँ, मेरे को है ना पता नहीं था कि है ना इसके ऊपर पाउडर भी लगता होता है स्क्रीन के ऊपर खेलने के लिए। तो एक दिन मैं उसके घर गया, ये पाउडर लगा रहा, मेरे को लगा ठंडा करने के लिए लगा रहा। मेरे को कसम सच में नहीं पता था, मेरे को पाउडर वो स्मूथनेस कर लिया, मेरे को नहीं पता था भाई। मेरे को है ना कई बार बहुत चीजें मैंने ही आपको सिखाई है, आप जो प्रो प्रो बोल रहे थे ना मैंने ही आपको सिखाया है। मैं स्नाइपर था आपके अपने स्क्वाड का, वो बात अलग है, हमारे स्क्वाड में 2 लोग थे, एक आप मैं एक मैं। मैं रात को ना आराम से सो रहा होता था, एक डेढ़ बज चुका होता था, एक मिनट किसके फोन दोस्त का चल छोड़, तो एक डेढ़ काट देना, क्या ये काट देना, क्यों काट देना, बढ़िया लेंथ बढ़ जाएगी ना। उस टाइम ज़्यादा आएगा। हाँ उस टाइम ज़्यादा आएगा, देखना पूरा हुए। तो हुआ क्या था कि एक डेढ़ बजे मैं आराम से सो रहा होता था, भाई साहब का फोन आता था, मैं क्या हो गया, खत्म बोर हो रहा हूँ मैं, फिर खत्म पबजी खेलते मैं, भाई टाइम तो देख ले। तो उस टाइम क्या था, गर्मी है हमारी, गर्मी एक ही AC रूम में, तो हम सारे एक साथ सोते हैं। तो अब इसका फोन आता था, अब भाई का दिल रखना जरूरी भी तो होता है, मैं अलग रूम में जाके, नहीं रियलिटी थी ये, सिर्फ अगले अलग रूम में इसलिए जाते थे क्योंकि इनके पीछे से शोर बोर होता था, ये एम्बेरस हो जाते थे उस शोर से। खराटे तो और कोई मारता ही है यार, खराटों में शोर नहीं होता था वो,
तो और क्या, तो टीवी का शोर आता था, एसी का शोर आता था, नहीं खर, रात खर। एक डेढ़ बजे कौन से है, एक डेढ़ बजे पापा ही खराटे ही होते थे और कुछ नहीं होता था। हाँ तो बस यही चलता रहता था। और अंकल जी ने देख ली ना ये वीडियो, खराटे खराटे ना, अब इतना कोई दिक्कत नहीं है। जायदाद में से जो बेदखल करेंगे ना, नहीं करेंगे क्या पब्लिकली बदनाम कर रहा है तू मुझे? मैंने तो चलो कुछ नहीं कहा अंकल जी तो। अरे नहीं करेंगे, मेरे बाबू बहुत अच्छे हैं। तो मैं तेरे को मकसद की बात पे आ, तो पबजी की बात चल रही थी, तो तेरे को पबजी में जगह के नाम याद है? अरे सारे अपन ने तो रीनेम भी कर दिए थे, अपन पहले असली नाम बता, अपन ने तो पूरा हरियाणा बना दिया। एक्साइटेड बहुत रहता है ना ये नहीं कि जो जैन बात पूछ के आ रही है बता। देखो जॉर्जपुर, रोजोक, मुचंकी और अपना मिलिट्री बेस। अच्छा अपना मिलिट्री बेस, अपना मिलिट्री बेस इतनी जगह देखी है कभी तूने एक साथ? अपना ही तो था यार, वहाँ पे रश करने के लिए तीन जगह होती थी, जॉर्ज पुल, मिलिट्री बेस और पोचंकी। पोचंकी आप उतरने से डरते थे, जॉर्ज पुल और वो मैं लेके जाता था आपको। ये कर यही चुप रही हूँ, मैं बताता हूँ क्या होता था। ये है ना, हम मतलब दो जने हम उतरे, दो रैंडम आते थे। ये क्या करता था, उतरा गन उठाई भाग गया, फिर हेल्प हेल्प हेल्प, पूरी बात मेरे को गन नहीं मिलती, पूरी बात मिनट, पूरी बात मेरी बात सुन, बीच में मत काट। हम होता क्या था, मैं रश प्ले करता था, मैं रश रश प्ले में ना इसका रश चाय में डूब जाता था। मैं बताता हूँ एक मिनट, पूरी बात मेरी बात सुन, नहीं मुझे पूरी बात उसके बाद बताइए। तो होता क्या था कि इसको गन मिल जाती थी, पता नहीं इसके नसीब में क्या था, इसको बढ़िया गन हमेशा AKM M24 तो नहीं सॉरी M416 और ये सब इसी को मिलता था। तो जब मैं मेरे को क्या था, सकुम्बर की मिलती थी शॉर्ट गन या पिस्टल, चलो जब करे तो करें क्या, ये लेता हेल्प हेल्प, मैं कहता हूँ कैसे, दो मिनट लगता नॉक हो गया। अरे मैं बताता हूँ पूरी की स्टोरी क्या होती थी, इसके कारण मैंने कितनी गेम एग्जिट की है, ये मर जाता था। उसके बाद मेरे को भैया बाहर आ जाओ, बस क्या यही था कि भाईचारा, ऐसे करते करते मेरे को हर बार गेम से इसने बाहर निकाल लिया। मैंने निकाला नहीं, आप जाके मरते थे, वही जाके मरते, एक ही बात है तेरे कारण मरते तो थे ना, मरते अपनी मर्जी से थे ना। अब बता क्या कह रहे हो, मैं कह रहा था हाँ मैं रश प्ले करता था, तो गन मिल गया ऑब्वियस ही बात है, तुम रश वाली जगह पर उतर रहे हो तो मारने घुसो, उनको गन मिलने से पहले मारो। अब ये होता है कि रश करने के लिए पहले कॉल देनी होती है, मैं कॉल दे के निकलता था कि मैं रश करने जा रहा हूँ। मैं एक्सपेक्ट करता था आप पीछे से आओ, इनकेस मुझे कुछ हो तो आप बचा लो। मैं रश करने घुस गया एनिमीज में, मैंने देखा नहीं पीछे, कभी आते ही नहीं थे, मैं बुला के चला जाता था, वहां पे जाके मैं दो गोलियां मारता था, वो मुझे चार मार देते थे। मेरे को एक स्टोरी भी याद है, और हमेशा हमेशा नोक, पता क्यों होता हूँ, हमेशा नोक होता था मैं, सिर्फ इस इंसान की वजह से, हमेशा कॉल करके चाहता हूँ और ये कभी नहीं आया। सेम ऐसे, ऐसे तब भी ब्लेम करता था और आज भी ब्लेम कर रहा है, मेरे को बाल तो गेम और एक बात होती है, तो ही चार जनों के बीच में घुसना चाहिए, ले दे के मुंह चक के एक एक बंदा एक और इसके पास एक ही हमने, मेरे को अच्छे से याद है, प्रो कह रहा है ना खुद को, मेरे को सिखाया है। अरे बहुत वो बंदा जा, मेरे को अच्छे से याद है, वो बंदा इसको पिस्टल से मार गया, इसके एक ही हम थी इसके बाद, या उस टाइम था, उसके बाद बांधना पता क्या था, रिकॉल ज्यादा, रिकॉल उसके लगी नहीं, मैं तो रहने रिकॉल ज्यादा नहीं बोला था, उस टाइम 4G नेट चलते थे, ओके जो के 4G आए थे, ऊपर से MI का फोन हैंग आपको पता ही है कितना होता है, गोलियां मारो पता नहीं दो मिनट बाद जाके उसको लगती थी, इतने में बंदा नॉक हो जाता था, हो गया। अरे आप तो क्या बता, यही तो अब है ना, अब आ रही है इसको बात, इसका हर बार ही है ना, फोन का प्रोसेसर मेरे फोन से बेटर रहा है, कुछ नहीं अब जाके बढ़िया हुआ है, क्यों हाँ बता, पहले अब जाके आपसे डेढ़ गुना पैसे लगाया मैंने, तब मेरे पास Samsung M30s में खेला करता था मैं, तब ये था इसके पास, मैं तो खुद कह रहा हूँ, तो वो जो था उसके अंदर MI के अंदर खेलता था, उसका प्रोसेसर मेरे से ज्यादा बेटर था। वो भी पता है MI का फोन एक महीना अच्छा चलता है, एक महीना MI वाले कुटेंगे कल को, उनको खुद को पता है, कल को स्पॉन्सरशिप लेनी है उनसे, एनलिस्ट कर देंगे वीडियो पॉइंट। अरे मनिएगा दिमाग तो भाई, इसको मैं निकाल दूंगा आगे आने वाले टाइम में। अच्छा कहाँ थे, मैं कॉपीराइट क्लेम मारूंगा सीधा, कंटिन्यू कंटिन्यू। अच्छा तो भाई कह रहा था मैं, MI का फोन में मोर्टल आया था स्टार्टिंग के एक महीना अच्छा चला, जो बंदा लगातार 9 घंटे सुबह 10 बजे उठते ही गेम खेल रहा है, रात को 9 बजे तक गेम खेल रहा है उसी फोन में, चार्जिंग लगा लगा के, उसके प्रोसेसर की क्या हालत बचेगी यार, उस टाइम आते थे स्नैपड्रैगन के 600 कुछ थे, अब आने लगे हैं स्नैपड्रैगन 870 Gen 1। और मैं बेरोजगार मत समझना भाई, उस टाइम पे वो था कोरोना चल रहा था तो वेले थे, वो अलग बात आज ही वेले हैं, वो हम कोरोना के टाइम का पूर्ण सदुपयोग कर रहे थे। मेरे मैच में एक बार क्या हुआ, मैं मेरे को बात बता दी बीच में रह गई थी, मेरे मैच में आया एक और मोर्टल नहीं है जो पबजी गेम खेलता है, नहीं जानते तो, हाँ रियलिटी है बता रहा हूँ मैं उस टाइम नया नया सीखा था,
क्या व्यूज का चक्कर नहीं, सच्चाई बता रहा हूँ क्या हुआ। मोर्टल आया तो मेरे को पता नहीं था मोर्टल है कौन उस टाइम पे, तो वो आया मेरे को, शॉर्ट गन थी उसके पास, हमारे स्क्वाड में पूरे चार जने थे, हम सबके पास बढ़िया बढ़िया गन थी। वो ऊपर आया, एक पहले मेरे को मार के गया, मैं नोक में अंदर गया, दूसरे को नोक करके चला गया, उसने किल नहीं किया किसी को भी, तीसरे को करके और चारों की स्कोर खत्म करके चला गया। फिर एक बंदा हमें से कोई बोला, कहता है मोर्टल था यार। मैंने कहा नहीं यार कौन मोर्टल कौन है, कहते हैं यूट्यूब पे सर्च मार, मैंने देखा उस टाइम पे उसके सब्सक्राइबर्स तो मेरे को खैर याद नहीं, कम थे 10-20 लाख। तो फिर उस मैंने क्या किया कि मैं जाके सर्च मारा, मैं ये मोर्टल था इसका तो गेम प्ले बड़ा तगड़ा है। तो वो बंदा अकेला आके सिर्फ शॉर्ट गन से हम सारों को देर कर गया, उसने फर्स्ट टाइम मेरे को पता लगा था कि पबजी जो है, मैं उस टाइम नूब था, आई एग्री, बट अब नहीं। अब तो खैर मैंने तो बहुत टाइम हो गया छोड़े को, मैंने स्नाइपिंग सिखाई है इसको। स्नाइपिंग, अब स्नाइपिंग की कहानी भी सुन लो मेरे से, थोड़ी सी बताता हूँ। मैं बता रहा हूँ ना, ये कुछ मर्जी बोलता है, इसके फ़ोन का प्रोसेसर था अच्छा, ड्रॉप नीचे गिरता था और ये क्या करता था, भागा जाता था ए डब्ल्यू एम, मैं भी बराबर हूँ, तो ये क्या करता था कि या तो नेट फेंक देता था मेरे पे, कहता मेरे को नेट दो ओम दो, या फिर क्या करता था क्या नाम है, जाके दवा दो। मगर इकट्ठे भी खड़े हैं ना, तो पहले ओम इसका पिक होता था क्योंकि इसका प्रोसेसर अच्छा था। वो प्रोसेसर की कहानी नहीं थी, मैं बताता हूँ क्यों। अब ना उसमें आता है ऑप्शन ऑटो पिक का, भैया ऑटो पिक के भरोसे जाते थे कि अपने आप तो उठा ही लेगा, जरूरत क्या नहीं था कुछ। हाँ, और मैं प्रोसेसर अच्छा, क्रेट खुलते ही उसमें टैप 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 उंगलियों से करता रहता था ताकि मुझे पहले मिले। तो एक बार ये मेरे को उसका भी याद है, नोवो के अंदर है ना फाइट होगी, तो नोवो नोवो को पूरा नाम बताना, नोवरलैंड समथिंग, नोवो प्रेप नो ऐसे कुछ था, अरे जैसे सब सब्सक्राइब जैसे वो वैसा था ना, वैसे ही नोवो का नाम था, चलो जो भी था। तो नोवो में एक और फाइट होगी, कंटेनर के ऊपर ही आ गया, तो कई बार ग्लिच के कारण फंस नहीं जाते, ये अड़ गया वहां ऊपर जाके। मेरे को नहीं पता वो सामने वाला कौन था, इसको आराम से एक गन को एक गोली मारे, ये चीखे मारे दो गोली मारे, इसको नोक नहीं होने दी, बिल्कुल प्यार से एक एक गोली मारी थी, जब हैंड में नोक हुआ ना फिर इसके निकला। मेरी खासियत, मैं अगर नोक हो गया ना, चाहे कितनी भी लड़ाई चल रही हो, उसके बाद जो मैं कहता था आओ मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, मेरे कहने से सारे मर जाते थे। और मेरी वाइफ, मैं ऑलमोस्ट हर मैच में सबसे पहले नॉक होता था और मुझे बचाने के चक्कर में सब मर जाते थे और एंड में मैं बच जाता था रिवाइव होके। ये बहुत बार हुआ है, हमेशा ही हुआ है। एक इसको रिवाइव दे देते थे, फिर उस बंदे की डैमेज है हेल्थ, वो जाता था नॉक, इसको हम कहते थे बचाने, कहता मेरी हेल्थ नहीं है, हम मर जाते थे, ये बच जाता था। फिर मैं उस बंदे को मार के गेम जीत जाता था। ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा था हमारे ना टीम में एक और, मेरी एक और स्पेशलिटी थी जिससे भैया भी एग्री करेंगे, बोल नहीं जा रहा। अरे यार कुछ वर्ड्स होते हैं ना नहीं निकल पाते हैं, समझा करो। अच्छा, दिमाग से जुबान पे आने में टाइम लग जाता है। बोल, बोल, बोल। मैं किल बहुत चोरी करता था, याद दिला दिया, लिटरली मान लो कि 15 किल चोरी किए इसने मेरे, 15 किल किसे कहते हैं। अरे टोटली नहीं, पर मैच अभी पता है क्या था, पर एक मैच के अंदर अभी हो, अभी तो अपने को जैसे मेरे को कुछ भी नहीं लगती ये बातें, उस टाइम क्या था बड़े डेडिकेशन से खेला करता था, क्योंकि उस टाइम केडी किल डेथ रेशो में हमें बहुत मैटर करती थी। लाइट है ना वो आ रही है, कल कोई ना, इससे मैं सिर लगा लेता हूं। उस टाइम किल डेथ रेशो बहुत वो मैटर किया करता था, हमें वो था कि केडी इतनी रखनी है, केडी इतनी, केडी मिनिमम 3-4-5 की होनी चाहिए। कौन सी लाइट आ रही है, वो उसका क्या, नहीं नहीं तो हमारी बात हो रही थी किल चोरी की। हां, किल चोर था। तो सीन क्या होता था, मैं ना मोस्टली बता रहा हूँ इसका, माने या ना माने इसके प्रोसेसर अच्छे रहे हैं हमेशा से फ़ोन के। इसका लक्की ऐसा था कि इसका घटिया फ़ोन होता था उसका ही प्रोसेसर अच्छा होता था, मेरा अच्छा फ़ोन होता तो ही प्रोसेसर घटिया होता, क्योंकि मैं सैमसंग लवर था, ये सबका लवर था, तो ऐसा कुछ ही था ना कि कुछ भी ले लेता था फ़ोन। तो हुआ क्या कि अब मैं जैसे डैमेज देता था उसको, ये भाई साहब आते थे आखिरी गोली मारी, देखो मैं बताऊं 99 का डैमेज इनका, एक गोली का डैमेज भी एग्री करता है बंदा, इसने सच में बहुत किल किए, ऊपर से बाद में केडी दिखाता था भैया आपसे ज्यादा, भैया आपसे ज्यादा। इस बंदे के 5 किल में 2000 की डैमेज, मेरे 15 किल में 1000 की डैमेज, इतना ही होता था इसका, बहुत फर्क होता था यार। और भी होते थे मेरे साथ, तेरे को याद होगा नीरज, अमन, एक स्कल बस्टर प्लेयर था भाई, हैकर्स, ओए मारेगा आगे उधर को, अरे हैकिंग करते थे, मेरे सामने गाड़ी उड़ाई थी उस बंदे ने, गाड़ी उड़ा के पता नहीं कहाँ पहुंचा दिया था, लिटरली मेरे आंखों के सामने 4 स्कोर खत्म किए उस बंदे ने। हाँ, क्योंकि उसे वो सारे हैक्स लगाता था उसके पास, ऑलमोस्ट उसको हमें बंदे नहीं मिलते थे, उस बंदे को प्रॉपर लोकेशन पता होती थी कि बंदा है कहाँ, मार देता था वो हमें, लेके जाता था कि यहाँ पे बंदे, और हमसे पहले मार देता था।
पता नहीं कहां कहां से लेट लेट के मार देता था। बाकी मजा बड़ा था पबजी खेलने में। हां है कसम। अगर आप भी सबने पबजी खेली है ना तो कमेंट के अंदर जरूर बताना, ठीक है। फ्री फायर वाले कमेंट भी मत करना, लाइक भी मत करना, निकल जाना। पागल हो रहे नहीं कर देना यार चैनल मेरे। हेलो 50-50 निकाल फ्री फायर वाले मत आना।